जा रहे हैं बिनसर महादेव मंदिर। यहाँ से मुश्किल से कितना रह गया होगा अभी? 10 किलोमीटर करीब। सोनी किसका गांव था? सोनी के भटजी का मकान है। अच्छा, उत्तरा के नाना जी का? उत्तराखंड में यात्रा करते हुए ऐसा लगता है जैसे ईश्वर हर कहीं है, अलग अलग स्वरूप में है, नदी के रूप में है, पहाड़ों में है, पेड़ों में है, और तो और दूर दूर से सन्यासी जो आते हैं उन्होंने दूर दूर जाके जो तपस्या की है वो देवभूमि में आ जाकर आप साक्षात देख सकते हैं। अलग अलग जगह पर बने मंदिर, वहाँ आने वाले साधु सन्यासी या श्रद्धालु गण इस जगह को वाकई में बेहद खास बनाते हैं। भव्य मंदिर, भव्य मंदिर, बहुत ही भव्य। बिनसर महादेव मंदिर पहुंच गए, बहुत ही शानदार लग रहा है, बहुत ही। ओम नमः शिवाय। यहाँ गाड़ी से आप बाद में उतरते हो, पहले कुत्रो भैया आ जाते हैं स्वागत करने के लिए आपका। ये पहले पहुंच जाएं। हाँ, मुझे सूंघ लो आप, आओ जी। बहुत ही भव्य है भाई। ये देखो आप किस लोकेशन में है, ये अंदर फोटो खींचना मना है, और उस चीज का कम से कम मैं तो बहुत पालन करता हूँ। अद्भुत दर्शन बिनसर महादेव जी के, मन को एकदम शांति। राधा कृष्ण का मंदिर भी है, राम सीता भी है, और गणेश जी तो हैं, बहुत ही अद्भुत है। तो इस तरफ कभी आप आते ना रानी खेत और उसके आसपास, या सोनी से निकल रहे हो तो इधर जरूर आए। ये है पहाड़ों के फायदे, बड़ियां इधर सुखाई हुई हैं, जो बड़ियां खाते हैं ना हम, ये शाम हो रही है और ये एकदम धीरे 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 धुंध, और एकदम जिसे कहते हैं धुंध का माहौल है। अब ठंड बढ़ती जा रही है, मैंने भी शॉल पोट पहन ली है क्योंकि लग रही है अब ठंड लग रही है। हालांकि अभी यहाँ से रामनगर दूर होगा, अभी करीब 55-56 किलोमीटर, स्टिल बहुत। वो मैगी बोली आपने, मैगी मैगी मसाला विदाउट एनी सब्जी वब्जी, प्याज एंड हरी मिर्ची एंड चाय, बहुत बढ़िया। चाय की व्यवस्था है यहाँ पे। ब
भैया बिना जैकेट के नहीं चलेगा क्योंकि सर्दी हो रही है। पार्किंग कर रहे हैं, इधर पार्क करेंगे। ठीक है ठीक है। भाई एडवेंचर तो तुम्हारा हो रहा है। स्पाइसी ये सूखी है ना, ये अच्छी लगेगी। ओहो ओहो मुझे क्या लगी जान से पहाड़ों की तरफ पूरा कोहरा हो गया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जो कलर अलग अलग रंग है ना, स्काई सुबह के टाइम में जैसे ऐसे रह जाता है, ऐसे होता है, दिखता नहीं है कुछ ये जो अभी दिखता है। रामनगर है 60 किलोमीटर। ढलते हुए शाम में आप कहीं भी नजर घुमा लीजिए, एक से एक रंग आपको नजर आएंगे। पहाड़ों का असली रंग जो है वो इसी समय दिखाई देता है। ये कौन सी जगह है? मचोड़। मचोड़ छोड़ा ऊपर लिखा भी है इसमें। रामनगर मतलब कि जिम कॉर्बेट से जो रास्ता होते हुए जा रहा है वो पूरी तरह से जंगलात का इलाका और टाइगर टेरिटरी। रात को दरअसल आपको कई बार हाई पॉसिबिलिटी होती है कि जानवर नज़र आएं। वैसे सुबह यानी कि अर्ली मॉर्निंग में पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि जानवरों को आदत हो गई है कि सड़क क्रॉस ना करें और ख़ास तौर से जब गाड़ियाँ चल रही हों तो उसके आसपास भी नज़र ना आए। ये नदी है दब गए रामनगर से पहले, धनकड़ी से पहले दब गए सब। ये सब नदी का बहाव आता तो बह जाती है, तो अब वक्त हो चला था बाल मिठाई लेने का। वो उनकी है, सेम दुकान है रावत स्वीट्स, वो भी वो कह रहा था उसमें मिल जाएगी। इससे ले लेते हैं, कोई नहीं भैया। जिम कॉर्बेट के खतरनाक रास्ते से निकलने के बाद हम है रामनगर में। यहाँ हम ढूंढ रहे हैं अपनी बाल मिठाई और चॉकलेट मिठाई जो होती है। तो आखिरकार भटकने के बाद हमको मिल गई चॉकलेट मिठाई आनंद मिष्ठान बंदर से। बाकी जगह मैंने देखा खत्म हो गई थी, तो फिलहाल आनंद की मिठाई चेक करते हैं कैसी है इस बार चख के। चलो आगे की यात्रा जारी रखें। चलो आओ। हाँ।